गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, कल जो अपने पार्ट किया था वो लॉजिक गेट वाले पार्ट चल रहे थे, ठीक है। लॉजिक गेट वाले पार्ट में अपने क्या किया था, एंड गेट को प्राप्त किया था। एंड गेट की जो प्रक्रियाएं आती है, ठीक है, वो वाले पार्ट अपने इसमें प्राप्त किए थे, ठीक है। बाइनरी नंबर कोड के तहत ये लॉजिक गेट काम करते हैं, 0 और 1 के हिसाब से। अब देखिए, अब उस पर अपने उसकी प्रक्रिया देखी थी, किस बेस पर ये कार्य करता है, उसका सर्किट डायग्राम देखा था, और अपन ने इसमें जो इसके टेबल वगैरह देखी थी, सत्य सारणी, और इसके साथ ही क्या देखा था अपन ने उसमें, जो व्यवहारिक रूप से उसको अपन ने काम में लिया था, वो वाले पार्ट अपन ने इस वाले भाग में किए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा, इससे पहले क्या था, एंड गेट प्राप्त किया था, नंबर 2 पर क्या प्राप्त होता है, और गेट। नंबर 2 पर क्या प्राप्त होता है, और गेट, ठीक है। और गेट के अंदर क्या होता है, जैसे कि एंड गेट की संक्रिया क्या थी अपने पास, एंड गेट जो प्राप्त किया था उसकी संक्रिया थी कि जो गुणक वाले पार्ट थे वो वाले पार्ट अपने यहाँ पे प्राप्त किए थे, ठीक है। इसके बाद में आता है और गेट किस आधार पर कार्य करते हैं। स्टार्टिंग देखिए, इसका बेस क्या है रहेगा, ये आधार क्या रहेगा, 2 या 2 से अधिक तो इसमें क्या रहेंगे, निवेशी रहेंगे, और 1 क्या रहेगा, निर्गत रहेगा, ठीक है ना। जो निवेशी आएंगे वो कितने आएंगे, जो निवेशी इनपुट वाले पार्ट आते हैं कौन से आएंगे, 2 या 2 से अधिक आएंगे। मान लिया अपने पास क्या है, A और B है, ठीक है। निवेशी कौन से आएंगे, 2 या 2 से अधिक पार्ट क्या आएंगे, निवेशी के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। और यानी कि 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, एन तक सीरीज जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा, इसका आउटपुट प्राप्त करेंगे। अब देखिए, इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि एंड गेट प्राप्त किया था, एंड गेट पे क्या था, जो गुणक की संक्रिया आपने यहाँ पे लगाई थी, यानी कि ए और बी दे रखा था, तो एक्स के जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, ए डॉट बी के रूप में अपने पास प्राप्त हो रहा था, ठीक है। ए डॉट बी के रूप में अपने पास क्या आ रहा था, इसकी गुणक की संक्रिया प्राप्त हो रही थी। तो और अब आ रहा है नंबर 2 पे, और गेट की संक्रिया क्या रहती है, योजक की संक्रिया रहती है, ठीक है ना। इसका आउटपुट आएगा, जो आंसर आएगा, एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये वाले पार्ट क्या रहेंगे, योजक की संक्रिया के रूप में कार्य करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो और गेट की संक्रिया क्या आएगी, प्लस की आएगी, योजक की आएगी, ठीक है। ये आ गई और गेट की संक्रिया, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर क्या रहेगा, जैसे इसमें नंबर कौन से चलेंगे, बाइनरी नंबर ही काम में लेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1 के रूप में ही, सीरीज के रूप में आगे इसको बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए किस प्रकार का आएगा, क्या आएगा, जैसे कि ये वाले पार्ट तो डायग्राम में सीरीज कितनी ले रखी है, 2 या 2 से अधिक, ए आ गया, बी आ गया, डैश डैश के रूप में कितने भी सीरीज इसमें आ सकते, ठीक है। एंड तक कितने भी इसके मान कितने भी हो सकते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, जैसे कि हम यानी कि 2 पार्ट लेके चल रहे हैं, इनपुट में क्या है अपने पास, 2 पार्ट है, तो एक्स का रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, बराबर ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी के रूप में इसका मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मान आ गए, ठीक है। इनपुट ए बी और आउटपुट क्या रहेगा, ए प्लस बी, यानी कि योजक की संक्रिया इसके अंदर क्या रहेगी, कार्य करेगी, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं इसकी सत्य सारणी, यानी कि टेबल क्या आएगी, ट्रू टेबल,
ठीक है। इसकी टेबल वगैरह देखते हैं, तो टेबल क्या आती है जिसकी टू टेबल देखते हैं क्या है, इनपुट क्या है अपने पास, दो पार्ट लेके चल रहे हैं ठीक है। इनपुट के रूप में क्या है, दो पार्ट लेके चल रहे हैं टू टेबल के रूप में, ए और बी के रूप में ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया ठीक है, ये क्या आ गया, बी आ गया अपने पास ठीक है। और इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बराबर ए प्लस बी ठीक है, ए प्लस बी के रूप में क्या आ गया, ये मान आ गया ए बी, एक्स बराबर कितना आया ए प्लस बी ठीक है। इसके भी चार पार्ट के रूप में आ जाएंगे ठीक है, चार सीरीज की इसी प्रकार चार सीरीज आ जाएगी इसकी, जैसे कि x बराबर क्या आ रहा है a प्लस b आ रहा है ठीक है ना। तो एक बार जैसे कि निवेशी वाले पार्ट है ऑन और ऑफ, ऑफ की अवस्थाएं देखेंगे ठीक है, ऑफ ऑफ है यानी कि जीरो जीरो है या जीरो वन है, वन जीरो वन वन, यानी कि इसका रिजल्ट अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे वो आउटपुट पे अपन पे डिपेंड करेगा ठीक है ना। तो इनपुट पे डिपेंड करेगा, इनपुट की सीरीज कौन सी दे रखी है ए और बी, जिससे कि स्टार्टिंग अपन ने दोनों सीरीजों को अपन ने क्या मान लिया, जीरो जीरो से लेकर चल दिया, स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं जीरो जीरो से लेकर चल रहे हैं, यानी कि दोनों अवस्थाएं क्या है अपने पास ऑफ अवस्थाएं ठीक है ना, दोनों अवस्थाएं क्या है अपने पास ऑफ अवस्थाएं प्राप्त कर रखी है अपन ने ठीक है। और इसके बाद में देख रहे हैं इसमें किस प्रकार इस वाले पार्ट को अपन आगे बढ़ते हैं, इसके इनपुट में क्या है ए प्लस बी और एक्स बराबर क्या आया ए प्लस बी, तो कितना रिजल्ट आएगा जिसकी जीरो जीरो ठीक है। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा ठीक है, बाइनरी नंबर जीरो और वन दो ही पार्ट प्राप्त करेंगे अपन ठीक है ना, दो ही सीरीज के रूप में चलेंगे। तो जीरो जीरो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्या है जीरो, ए प्लस बी का मान अपने पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा जीरो प्राप्त हो जाएगा ठीक है। यानी कि ए बी और एक्स बराबर क्या आ गया ए प्लस बी आ गया ठीक है, ये मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गया इसमें। अब देखिए जैसे कि नेक्स्ट कोई एक पार्ट, जैसे कि इनपुट दो इनपुट ले रखे हैं उसमें कोई भी अपन ने एक पार्ट क्या ले लिया वन की अवस्था में ले लिया, जिसकी स्टार्टिंग वाले क्या ले रखे थे अपन ने जीरो जीरो ले रखे थे दोनों पार्ट ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट क्या ले लिया अपन ने जीरो वन ले लिया ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट अपन ने क्या ले लिया जीरो वन ले लिया, यानी कि ए क्या है ऑफ अवस्था में और बी क्या है ऑन अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आएगा एक्स बराबर ए प्लस बी के रूप में इसका क्या आएगा रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा ठीक है ना, ए प्लस बी के रूप में क्या आ रहा है इसका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट क्या जाएगा वन आ जाएगा ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखिए जीरो वन के बाद में क्या रहा वन आ रहा है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं नेक्स्ट सीरीज वन जीरो वन ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या ले लेते हैं जिसको अपन ने स्टार्टिंग जीरो ले रखा था उसको वन कर लेते हैं, और बी जो जीरो लिया था उस वाले पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं जीरो कर लेते हैं ठीक है ना, तो क्या आएगा वन जीरो वन आ गया ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सीरीज क्या कर लेते हैं वन क्या आएगा वन वन ठीक है, यानी कि ए और बी क्या है इनपुट के रूप में यानी ऑन अवस्था में प्राप्त है, ए और बी क्या है अपने पास इनपुट के रूप में ऑन अवस्था में प्राप्त है, ए और बी ऑन अवस्था में, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू वन। देखो बाइनरी नंबर के अंदर लिखा रहे हैं, बाइनरी नंबर के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो जीरो और वन की ही वैल्यू अपने पास प्राप्त होगी है ना, ओनली जीरो और वन की वैल्यू क्या करेंगे अपन यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा जिसकी वन वन
वन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका दो नहीं आएगा, जैसे कि वन वन टू नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास क्या है, दो ही संख्याएं हैं। नंबर क्या है अपने पास, जीरो और वन दो ही है, ठीक है ना। तो वन वन क्या आ जाएगा, वन ही कार्य करेगा, ठीक है ना। इसका ये नहीं होगा कि टू हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी नंबर के अंदर ये कार्य करेंगे तो क्या आएंगे, वन वन के रूप में क्या आएंगे, वन ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या थी अपने पास, जो और गेट थी उस वाले पार्ट में इसका मामला, ठीक है। तो और गेट क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी प्राप्त हो गए अपने पास, ठीक है। एक और इसमें एक क्या आता है अपने पास, निर्गत होता है, यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी सीरीज में इसके मान क्या आ जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, दो या दो से अधिक तो क्या हो जाएंगे, निवेशी हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के रूप में क्या हो जाएगा, निर्गत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ए बी और डैश डैश क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आया, ए प्लस बी के रूप में ये मान प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अब इसकी संक्रिया क्या होती है, इसमें योजक की संक्रिया कार्य करेगी, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में क्या होती है, योजक की संक्रिया कार्य करेगी, जिसकी एक्स बराबर क्या है, ए प्लस बी का मान आएगा। यानी कि जो भी पार्ट आएंगे, जितने भी इनपुट वाले पार्ट अपने दे रखे हैं, तो आउटपुट के रूप में क्या होंगे, वो योजक के रूप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। योजक के रूप में वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जैसे कि अपने इसमें आते हैं, इसके टेबल पे आते हैं, जीरो जीरो क्या रहेगा, बेस क्या रहता है, जीरो जीरो है, दोनों इनपुट क्या है, ऑफ अवस्था में, यानी कि जीरो जीरो अवस्था में। तो एक्स प्लस बी यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। जीरो जीरो रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो दोनों इनपुट यदि ऑफ अवस्था में है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था के रूप में अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ये मान इसके यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए जीरो वन, एक इनपुट तो क्या ले लिया, जीरो, दूसरा वाला इनपुट क्या ले लिया, अपने वन ले लिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो वन को अपने क्या कर दिया, वन आ गया, जीरो वन रिजल्ट क्या आएगा, वन आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो जीरो था उसको वन कर देते हैं, जो वन था उसको शून्य के रूप में लिखते थे, जीरो के रूप में। तो जीरो वन वन जीरो, तो सीरीज क्या है, वन जीरो, रिजल्ट क्या आएगा, वन आ गया, ठीक है ना। और लास्ट वाला रिजल्ट क्या आ रहा है, वन वन वन, ठीक है ना। ए वन प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। यानी कि कहने का ये, जो भी बाइनरी नंबर के अंदर वन वन आएंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वन के ही रूप में प्राप्त होगा अपने को, ठीक है। अब इस टेबल से क्या प्रूफ हो रहा है कि और गेट में जितने भी निवेशी कार्य कर रहे हैं, जितने भी निवेशी यानी कि दो या दो से अधिक निवेशी कार्य करेंगे, ठीक है ना, जितने भी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, निवेशी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएंगे, उसमें से एनी वन कोई भी एक निवेशी या सारे निवेशी वन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, वन ही रहेगा। कहने का अर्थ है जितने भी निवेशी कार्य कर रहे हैं इनपुट के रूप में, ठीक है, जो निवेशी के इनपुट के रूप में जितने भी पार्ट आ रहे हैं उसमें कोई भी एक ऑन अवस्था में है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, अपने पास ऑन अवस्था में रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अब आइए इसको व्यवहारिक रूप से अपन किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको अपन व्यवहारिक रूप से किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि यह आ गया कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा इसका, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ए, और ये अपने पास क्या है, बी। ठीक है, ये उल्टा और ये वाले पार्ट क्या आ जाएंगे, आगे बल्ब की व्यवस्था आ जाएगी, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये वाली व्यवस्था अपन यहाँ पे लेके चल रही है। अब देखिए ये ऑन अवस्था में कब आएगा, ये वाली पोजीशन अपने को देखनी है, यानी कि ये कार्य कब करेगा, ठीक है ना। ये
जो बल्ब आ रहा है वो कब कार्य करेगा, व्यवहारिक रूप से ये कार्य कब कर रहा है, ठीक है, ये वाले पार्ट अपने को देखने, ठीक है। तो देखिए जैसे कि टेबल के हिसाब से चलते हैं अपन, टेबल क्या कह रही है, जीरो जीरो जीरो, टेबल क्या कह रही है, जीरो जीरो जीरो, यानी कि यदि दोनों ऑफ अवस्थाओं में, दोनों भी जो भी इनपुट दे रखे हैं वो दोनों क्या हो, ऑफ अवस्था में है, तो रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, ऑफ अवस्था जीरो जीरो के रूप में क्या आ रही है, ये प्राप्त हो रही है, तो क्या आएगा, जीरो जीरो। दोनों ऑफ अवस्था में यानी कि ओपन है, ठीक है ना, जो दोनों स्विच दे रखे हैं वो क्या है, ओपन है, दोनों जो पार्ट इनपुट दे रखे हैं वो क्या है, ओपन अवस्था में है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। यानी कि ये वाला ए भी क्या है, ओपन अवस्था में, और बी क्या है, ओपन अवस्था में, एस क्या होगा, ऑफ अवस्था में, ठीक है ना, यानी कि ए और बी क्या रहे के? दोनों क्या रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे, ठीक है ना, बटन का क्या कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे, स्विच क्या है, कार्य नहीं कर रहे, तो बल्ब भी क्या है, कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना, ये कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है। यानी कि दोनों जो स्विच वगैरह लगे थे वो क्या है, ओपन अवस्थाओं में है, ऑफ अवस्था में, ठीक है ना, ओपन अवस्थाएं खुली अवस्थाएं कार्य नहीं कर रही, संपर्क नहीं हुआ, एक का आगे वाले पार्ट से इसका, इस वाले आगे वाले पार्ट से क्या हुआ, संपर्क नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, ये सीरीज के रूप में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले पार्ट पर आइए, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड वाला पार्ट अपन करके देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए, जीरो वन वन आ गया, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या है अपने पास, जीरो वन के रूप में, जीरो वन, यानी कि ये वाली सीरीज क्या है, ठीक है, ये वाली सीरीज के रूप में क्या है, ये वन आ गया, अपने पास क्या है, यानी कि जीरो वन, ए तो क्या रहता है, क्लोज ओपन रहता है, ए यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना, जीरो का क्या हुआ, ए क्या है, ओपन है, ठीक है ना, ये कार्य नहीं आ रहा, बी क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक संपर्क बी के साथ हुआ तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे संपर्क हो जाएगा, ये वाली अवस्था क्या आ जाएगी, ऑन अवस्था में, ये क्या है, ये ऑन अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ पे कार्य करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। अब देखिए वन जीरो वन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन जीरो वन, यानी कि एक तो क्या है, ओपन है, और दूसरा वाला क्या है, क्लोज है, ठीक है ना, इससे पहले वाला देखिए जीरो वन कर रखा था, यानी कि जो इनपुट वन था, सॉरी ए वाला था, उसको अपने ओपन कर रखा था, बी वाले को क्या कर रखा था, क्लोज कर रखा था, अब आइए ए वाले को क्लोज कर देते हैं और बी वाले को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, अब क्या कर देते हैं, इसी के इस वाले पार्ट को क्या कर दिया अपन ने, ओपन कर दिया, जो बी वाला पार्ट था उसको अपन ने क्या कर देते हैं, ओपन कर दिया, और जो ए वाला पार्ट था उसको अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है ना, एक क्लोज करेंगे तो धारा का प्रभाव क्या हो जाएगा, आगे वाले पार्ट की तरफ जाएगा, तो बल्ब क्या रहेगा, ओपन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे करते हैं, स्टार्टिंग जब दोनों ओपन रहते हैं तो बल्ब भी क्या रहेगा, ओपन अवस्था में रहेगा, इनमें से कोई भी एक पार्ट क्या रहे, क्लोज्ड अवस्था में है तो क्या रहेगा, बल्ब भी क्या रहेगा, ओपन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये इसका विवरण। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या करिए, वन वन, फोर्थ स्टेप क्या कर रही है, वन वन वन, यानी कि दोनों पार्ट क्या है अपने पास, क्लोज कर दिए, ठीक है, सारे के सारे जो निवेशी दे रखे थे वो क्या है, ओपन अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, सारे दोनों के दोनों निवेशी क्या है अपने पास, क्लोज अवस्था में, ठीक है ना, ए भी क्लोज अवस्था में, बी भी क्या है, क्लोज है, ठीक है, दोनों क्या है, बंद है, बंद होने के बाद में क्या है, धारा का संचार हो रहा है, तो रिजल्ट के रूप में क्या रहा है, एस क्या रहेगा, ऑन अवस्था के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो था व्यवहारिक रूप से, यानी कि जब और गेट को अपने देखो, लॉजिक गेट चल रहे हैं, लॉजिक गेट क्या थे, क्या यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, जो
जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं जैसे कि बल्ब फैन वगैरह जो भी होते हैं वो किस आधार पे कार्य कर रहे हैं वो पार्ट अपने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। और वैसे इनका जो सही तरह से अध्ययन कब होता है, जब इसके साथ प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना, वो आपके पीछे वाले पार्टों में स्टार्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें इनको सॉरी ये पीजी वाले पार्ट में केवल फोर गेट है, उससे पहले वाले जो आएंगे ना वो सारे के आ जाएंगे अपनी व्यवस्था में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में क्या होता है कि जो भी अवस्था है अपने पास यहाँ पे प्राप्त होगी, जो भी अपन थ्योरी देखते हैं उस वाली थ्योरी को यदि अपन ने प्रैक्टिकल रूप से प्रूव कर दिया, ठीक है ना, तो वो सबसे बढ़िया अध्ययन माना जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होती है, ठीक है ना, उपकरण वगैरह जो काम में होती है। अब देखिए और गेट वाला पार्ट, जैसे कि अपन ने इससे पहले तो क्या किया था, एंड गेट वाला पार्ट किया था, ठीक है ना। एंड गेट वाले पार्ट में अपन ने क्या क्या किया था, एंड गेट जो एंड गेट के अंदर गुणक की संख्या किया थी, एंड गेट और इसमें एक सिमिलरिटी क्या रहती है, जैसे कि दो या दो से अधिक तो क्या रहेंगे, निवेश रहेंगे, और एक क्या रहते हैं, दोनों इनपुट आउटपुट भी क्या रहेगा, एक रहेगा, दो या दो से अधिक तो इसमें क्या रहेंगे, निवेशी रहते हैं, लेकिन आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, एक ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसमें इसमें वाले पार्ट में क्या है, जैसे कि कोई भी एक निवेशी, ठीक है ना, कोई भी एक निवेशी यदि वन अवस्था में है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वन अवस्था में प्राप्त होगा। और गेट में क्या होता है, कोई भी एक यानी कि कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट, ठीक है ना, कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट वन अवस्था में है तो रिजल्ट क्या आएगा, वन अवस्था के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि योजक की संक्रिया कार्य कर रही है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में क्या आ रहा है अपने पास, योजक की संक्रिया कार्य कर रही है। एंड गेट में क्या था, गुणक की संक्रिया कार्य कर रही थी, एंड गेट के अंदर क्या होता है, गुणक की संक्रिया कार्य कर रही थी। तो इस वाले पार्ट में क्या था अपने पास, सारे के सारे जो इनपुट थे वो यदि रिजल्ट के रूप, सारे के सारे जो इनपुट थे वो क्या कर रहे थे, यदि ऑन अवस्था में तो रिजल्ट क्या आ रहा था, ऑन अवस्था के रूप में प्राप्त हो रहा था। इसमें क्या है, कोई भी एक इनपुट ऑन अवस्था में तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ऑन अवस्था में आएगा। अदरवाइज यदि सारे के सारे इनपुट ऑफ अवस्था में तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में आएगा। और एंड गेट में क्या होता है, सारे के सारे इनपुट यदि क्या हो, ऑन अवस्था में हो तो रिजल्ट क्या आता है, ऑन अवस्था के रूप में प्राप्त होता है। अदरवाइज यदि कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट ऑफ अवस्था में रहते हैं तो एंड गेट में क्या रहता है, रिजल्ट भी क्या रहेगा, ऑफ अवस्था में ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का सा है, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का रहेगा। उसमें क्या थी जो योजक, इसमें क्या है, एक्स ए और बी दो दे रखे हैं इनपुट, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और गुणक में क्या था, ए डॉट बी के रूप में प्राप्त हो जाता था, ठीक है। गुणक के अंदर क्या होता था, ए डॉट बी के रूप में अपने पास क्या था, रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो देखिए अब इसकी, अब इसके बाद में देखो इस वाले में था दो या दो से अधिक निवेशी कार्य कर रहे थे और उसमें भी एक आउटपुट के रूप में था, लेकिन यहाँ पे संक्रिया योजक की है, एंड गेट में संक्रिया किसकी थी, गुणक की थी, ठीक है। और टेबल पे आ जाइए, टेबल 00001110111, ठीक है ना। यानी कि सारे इनपुट यदि ऑफ अवस्था में तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में प्राप्त होगा। सारे के सारे इनपुट यदि ऑफ अवस्था में तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में आएगा। अदरवाइज कोई भी एक इनपुट क्या हो ऑन अवस्था में, या सारे इनपुट क्या हो ऑन अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑन अवस्था में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या, ऑन अवस्था के रूप में प्राप्त था। और उस वाले पार्ट में क्या था, एंड गेट की जो संक्रिया थी उसमें क्या था, कोई भी जैसे कि जैसे इसमें इस वाले में क्या था, एंड गेट में क्या था, सारे के सारे इनपुट यदि ऑन अवस्था में हो, वन अवस्था में हो, रिजल्ट क्या होता है, वन अवस्था में प्राप्त होता है। अदरवाइज कोई भी एक इनपुट क्या हो, ऑन ऑफ अवस्था में हो, एंड गेट में कोई भी एक ऑफ अवस्था में हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था के रूप में ही प्राप्त होता है, ठीक है।
और ये इसकी क्या आती है जो व्यवहारिक रूप से इसको अपन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप से इसको अपन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि इसकी टेबल पे आइए 0 0 0। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है ए और बी क्या है ओपन अवस्था में, ठीक है ना, ए बी, ठीक है ओप अवस्था में। ठीक है, और यदि सर्किट के रूप में देखें डायग्राम के रूप में तो ए और बी क्या है ओपन है, ए भी ओपन है बी भी ओपन है, दोनों क्या है ओपन अवस्था में, रिजल्ट क्या आएगा ओप अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट क्या आएगा ओप अवस्था के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज जिसकी जीरो ओपन कर दिया, ए तो क्या कर दिया ओपन कर दिया, बी अपने क्लोज कर दिया, धारा का संचार हो रहा है, रिजल्ट क्या है ओप अवस्था में आ रहा है, सॉरी ऑन अवस्था में आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज 1 0 यदि ए क्लोज है बी क्या है ओपन है, ठीक है ना, यानी कि दोनों की सीरीज क्या कह रही है, ये ओपन ये क्लोज या ये ओपन ये क्लोज, रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा 1 1 रिजल्ट क्या आएगा ऑन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट क्या है क्लोज अवस्था में, ठीक है ना, दोनों पार्ट क्या है क्लोज है तो रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में, ठीक है ना, ये इसका व्यवहारिक रूप है। और गेट के संख्या क्या नॉर्मल तरीके से देखे जाए तो योजक की है, और इसी के आधार पे ये कह रहा है कि कोई भी निवेशी क्या हो एनीवन, जितने भी दो या दो से अधिक निवेशी जो अपन कार्य कर रहे हैं उसमें एनीवन कोई भी एक निवेशी क्या हो ऑन अवस्था में, ठीक है ना, कोई भी एक निवेशी क्या हो ऑन अवस्था में हो रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में रहता है, अदरवाइज सारे के सारे इनपुट यदि ओप अवस्था में तभी क्या आएगा रिजल्ट ओप अवस्था में, ठीक है ना। और एंड गेट की संख्या क्या थी, यदि दो जितने भी निवेशी दे रखे हैं उसमें सारे के सारे निवेशी क्या हो ऑन अवस्था में तभी रिजल्ट ऑन अवस्था में रहेगा, अदरवाइज उनमें से कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट क्या हो जीरो हो तो रिजल्ट क्या रहता है जीरो ही रहता है। ठीक है, ये इन दोनों में क्या था डिफरेंस था। ठीक है, ये क्या पार्ट आ गया, दो अपने पास क्या आ गए लॉजिक गेट आ गए, एक तो क्या आ गया एंड गेट के रूप में, दूसरा वाला क्या आ गया और गेट के रूप में। ठीक है, और इसके बाद में थर्ड आता है नॉट गेट, ठीक है ना, थर्ड कौन सा आता है नॉट गेट के रूप में आता है। देखो ए और बी जैसे कि एंड गेट क्या था गुणे की संख्या को प्रदर्शित कर रहा था, और जो और गेट था वो किसको प्रदर्शित कर रहा था योजक की संख्या को व्यक्त कर रहा था। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, एक गुणक की प्रक्रिया को व्यक्त कर रहा है, दूसरा वाला किसको व्यक्त कर रहा है योजक की प्रक्रिया को व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आगे देखें, अब इसके बाद में इसकी विपरीत पार्ट प्राप्त होता है, इसमें संख्या देखिए ए और बी की संख्या सॉरी गुणक और योजक की संख्या कार्य करेंगे। ठीक है, और जो नोट गेट की संख्या आएगी वो देखिए क्या बात करेंगे, वो इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें व्यवहारिक रूप से अपन ने क्या देखा कि बल्ब की अवस्था कब आएगी, यानी कि बल्ब कार्य कब करेगा, वो कल देखा था वो ये पॉइंट इसमें देखें आज देखेंगे। ठीक है, यानी कि बल्ब कार्य कर रहा था ऑन अवस्था इसकी कब प्राप्त होगी वो अपन यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो इसकी ऑन अवस्था कब प्राप्त हुई, जब सारे के सारे निवेशी या कोई भी एक निवेशी क्या हो ऑन अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आ रहा है ऑन अवस्था में प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि ए और बी में से कोई भी एक क्लोज हो या दोनों क्लोज हो तो रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में रहेगा, यानी कि बल्ब क्या रहेगा ऑन अवस्था के रूप में अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज यानी कि सारे के सारे जो निवेशी हैं ओपन हो जाए, ए भी ओपन बी भी ओपन, तो रिजल्ट क्या आएगा क्लोज आएगा, सुन ओप अवस्था में रहेगा बल्ब कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आएगा। इसी प्रकार अपन ने एंड गेट के अंदर क्या था, एंड गेट के अंदर क्या था, सारे के सारे जो निवेशी दे रखे थे वो क्या थे क्लोज्ड, सारे के सारे जब निवेशी क्लोज होते हैं तब भी रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है अपने पास बल्ब ऑन अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है ना, और उनमें से कोई भी एक या सारे निवेशी ओपन अवस्था में हो, कोई भी एक या सारे निवेशी ओपन अवस्था में हो तो रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है ओप अवस्था ही प्राप्त हो। ठीक है, ये क्या थे इसके दो बार प्राप्त हो रहे थे।